बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यूरोप की इस वक्त जो हालत है, यूरोप बिल्कुल टूटने के करीब, शुरुआत जो उसकी होती है उसकी तरफ आ चुका है। और ये हकीकत टीवी नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं, हकीकत टीवी के ये अल्फाज नहीं है। आप जरा देखिए इकोनॉमिस्ट की हेडलाइन, वो कह रहे हैं कि यूरोप रिसेशन में जा रहा है, दुनिया सारी कह रही है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। जो यूरोप के रिसेशन के बारे में अब बात हो रही है, आपको एक बात समझ आएगी। आप हजार इख्तलाफ कर लें इस बंदे के साथ, इमरान खान के साथ, इमरान खान के फॉलोअर्स उनको कहते हैं मुर्शिद, और वो कहते हैं मुर्शिद ने जो बात कह दी वो ठीक है। अब यकीन कीजिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस बंदे के मुंह से जो बात निकल जाती है वो बिल्कुल ठीक है। इस बंदे ने वार्न किया था कि तबाही आ रही, हमने रूस के कैंप में रह रहे हैं या यूक्रेन के कैंप में, हमने ये डिसाइड नहीं करना, हम भाई न्यूट्रल हैं, और हम न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल रहेंगे। यहां रहना था असल में न्यूट्रल, जहां पे हम न्यूट्रल नहीं रहे। सूरत हाल ये पैदा हुई है, वार्निंग जारी कर दी है ग्लोबल एलीट्स ने, और कहा है कि या तो जाकर प्यूटिन के पांव पकड़ लो और माफी मांग लो और सुलह कर लो, और ये जो कुछ हुआ है ना इससे पीछे हट जाओ, या फिर जंग कर लो और उसके बाद पूरा यूरोप जाकर रशिया पर चढ़ाई कर दे, फिर जो बचेगा वो राज कर ले, दूसरा सलूशन कुछ नहीं है। वजह क्या हुई है? सूरत हाल ये पैदा हुई है कि ग्लोबल रिसेशन आ रहा है यूरोप में, वार्निंग जारी उन्होंने वहां पर ये कर दी है कि श्रीलंका जैसे हालात आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा कि ये बात कभी यूरोप के हवाले से की जाए। वो कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हालात यूरोप में पैदा होने का खतरा हो गया है, आवाम सड़कों पर आ जाएगी, नोच डालेगी हमें। इससे पहले कि वो नोच डाले, कोई फैसला कर लो, या तो जंग कर लो, सारे मिलकर नेटो जंग कर ले, और उसमें फिर अगर न्यूक्लियर वार हो जाती है तो फिर वो बात की बात है, हो सकता हो जाए, या फिर आप लोग बैठकर उसके पांव में गिर कर सुलह कर लो, कोई पीस डील कर लो, कुछ कर लो, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। हुआ यूं है कि यूरोप के अंदर इस वक्त एनर्जी क्राइसिस इतना ज्यादा आ गया है कि बोरिस जॉनसन ने अंदाजा कीजिए कहा है कि कैटल आप कोई दूसरी खरीद ले ताकि आपकी जो एनर्जी है वो बच जाए, क्योंकि हमारे पास आपको सस्ता देने के लिए कुछ नहीं। अब जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर तो वो रहे नहीं, लेकिन उसने एडवाइस किया, और इतना भोंडी एडवाइस थी। यूरोप के अंदर उन्होंने वार्निंग जारी की है कि तेल की कीमतें हैं आसमान पर, एनर्जी का असल में मसला है कि गैस उनके पास है नहीं। एक होता है कि गैस की कीमतें होती हैं, कम हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा है, यानी महंगाई उरूज पर है, और करेंसी गिर रही है, बिल्कुल यूरोप की करेंसी गिर रही है। वहां पर बैंक करप्ट होते जा रहे हैं, बैंक ही खत्म होते जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, कई उनकी ब्रांचेस बंद हो रही हैं क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब्स जा रही हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। वो कह रहे हैं कि श्रीलंका वाले हालात यूरोप के पैदा हो सकते हैं, आवाम सड़कों पर आ सकती, ग्लोबल फूड क्राइसिस आ रहा है, खाने पीने का मसला यूरोप के साथ तबाही का मामला है, और ये यूक्रेन की जंग की वजह से तेल की कीमतें नहीं रुक रही, और सबसे बड़ा खतरा ये है कि एक तो एनर्जी यानी गैस की और उसकी प्राइसेस आसमान पर है, दूसरा वो कह रहे हैं कि गैस मिल नहीं रही, और वहां पर तो कह दिए यूरोप के अंदर उनके मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि कम से कम 10 साल तक आपको ये चीजें फेस करना पड़ेगी, उसके बाद जो बच जाएगा शायद हम अल्टरनेट की तरफ चले जाएं, शायद हम इलेक्ट्रिक कार की तरफ चले जाएं, कुछ कर ले। अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है, अभी हम जा रहे हैं तबाही की तरफ, क्योंकि वहां पर लोगों के हालात शदीद खराब हो रहे हैं। तो बेहतर ये है कि या जंग करके बस जो बजे वो कर ले, फिर न्यूक्लियर वार होती है तो हो जाए, या फिर उसके साथ सुलह कर ले, क्योंकि आपने जो पाबंदियां लगाई हैं उससे रूस का तो गया कुछ नहीं और यूरोप का बचना कुछ नहीं। अब यकीन कीजिए कि आज दाद देने को दिल करता है इमरान खान का, और डूब मर जाए वो चार लोग जिन्होंने पाकिस्तान या दुनिया में कहीं भी बैठकर इमरान खान का तख्ता उल्टा। यकीन कीजिए, आप लोग उन शक्लों से भी वाकिफ हैं, जिस दिन इमरान खान ने वो नाम ले दिया और वो शक्लें सामने आएगी तो वो वैसे ही उन शक्लों पर लानत पड़ी हुई है। उन लोगों ने इमरान खान का तख्ता उल्टा इस बात पर कि आप रूस की तरफ गए हो। अब यूरोप रूस के खिलाफ गया तो वहां पर उन्होंने टूटने की वार्निंग जारी कर दी है कि ये टूट सकता है, इसके कई टुकड़े हो सकते हैं, श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, इनको बचा लो। कभी आपने सोचा था यूरोप इतना पुरमन मुल्क है? क्योंकि उन्होंने पंगा गलत ले लिया था। इमरान खान इस बात को समझ गए थे जब वो रूस गए थे कि भाई हम क्यों इधर जाएं। अब आप देख लें कि आपके जो अमेरिका के आगे उनके जूते पॉलिश करने वाले डॉलर्स के लिए उन्होंने अमेरिका की गोद में गए, हम रूस से दूर हुए। आज अगर हम रूस से सस्ता तेल लेते तो 6 से 7 अरब डॉलर आपको बचता,
क्योंकि आपको 40% सस्ता मिलता, हमारी पेमेंट तो ज्यादा यही होती है ना ऑयल की, आपको 32 अरब डॉलर मिलता है जो आपके रेमिटेंस आता है, तो 6 अरब डॉलर बचता। आप बताए आप IMF के पास जाते तो जो ग्लोबल ताकतें हैं उनके जो मीर जाफर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने इमरान खान को बर्दाश्त नहीं करना था कि ये IMF की गुलामी से आजाद करवा रहा। अब तो शहबाज शरीफ कहता है क्यों भाईजान हमें कुछ करना चाहिए, हमें IMF की आखिरी पैकेज हो, क्योंकि उसको पता है कि हम गुलाम उनके हो चुके हैं, तो डूब के मर जाना चाहिए। जब अमेरिका और मीर जाफर के साथ मिलकर जब तुम तख्ता उलट रहे थे इमरान खान का, तब तुम्हें पता नहीं चला, लेकिन मसला यह हुआ है कि पूरी कौम की तबाही आ रही है। इमरान खान ने तो कहा मैं 4 लोगों के नाम ले दूं, मैं इस्लामाबाद बंद कर दूं, मसला सिर्फ मेरे लिए ये है कि मैं कौम सैलाब के अंदर डूबी हुई है तो मैं उनको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। अब आप देखिए कि किंग मेकर कौन है, प्यूटिन। वो बंदा किंग बन गया है, उसको दबाने के लिए यानी हमने प्राइस पे की, इमरान खान ने उसके दौरे की, उस वक्त हम उसके साथ खड़े होते, बंदा आज इन्वेस्टमेंट कर देता। तेल की आपकी कीमत 125-100 रुपये होती, आपके मुल्क में महंगाई ना होती, आपके मुल्क में खुशहाली होती, जॉब्स होती, वो आपको पैसा लगाता, चाइना पैसा देता। चाइना ने देखा ये अमेरिका के आगे लेटे पड़े, इनकी इतनी औकात नहीं है ये हमारे साथ गुफ्तगू ना कर सके, तो हम इनका क्या करें। लिहाजा चाइना ने भी अब हाथ खींचा हुआ है। आप देखिए जरा, अब दाद देंगे अरब ममालिक को, मोहम्मद बिन सलमान को दाद देंगे, उस बंदे का 37 साल हुए, 2 दिन पहले उसकी एज हुई है, अब उस बंदे को दाद देंगे, अब UAE के लीडर को दाद देंगे। उन्होंने अमेरिका के साथ खड़े होने से इनकार कर दिया, क्यों, उनको फ्यूचर पता चल गया था। ये कहते हैं जी हम सियासतदान हैं, आपने सियासत सीखनी है तो जाकर अरब से सीख ले, वो रूस के कैंप में चले गए। प्यूटिन कॉल करके मोहम्मद बिन सलमान को शाबाश कहता है और कहता है कि मिलकर हम तय करेंगे तेल पर दुनिया का मुस्तकबिल। इमेजिन करें सर आप, और UAE को आप देख लें, उनके लीडर ने क्या अकलमंदी दिखाई, वहां से सेकंड रेमिटेंस आता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा, तो उनको पता था कि हमने क्या फ्यूचर देख रहे हैं। उन्होंने भी अमेरिका से कोई दोस्ती आ रही है, वो रूस के कैंप में, चाइना के कैंप में चले गए। हम चाइना के कैंप में थे, रूस का वो इतिहादी है और हम अमेरिका के आगे लेट गए, क्यों, 4 लोग जो थे उनको पैसा मिल रहा था, डॉलर्स थे उनके मामला थे, वो 4 लोग, और उन्होंने कहा ठीक है माल पानी आ रहा है, मेरे बच्चे तो सेट है, कौम जाए भाड़ में। ये असल में सूरत हाल पैदा हुई है और आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी तबाही हुई है। अब यूरोप पूरा प्यूटिन के आगे, वो कह रहे हैं कि या तो इसके बैरों में गिर जा, क्योंकि ये जो तबाही आ रही है उसमें कुछ है, या भी ये सैंक्शन से पाबंदियां, उन्होंने पाबंदियां लगाई रूस के ऊपर, रूबल के ऊपर लगाई, वो आसमान पर चली गई उनकी, यूरो नीचे गिर गया, और आज देख ले वो किंग बन के बैठा हुआ है प्यूटिन, और वो कहता है हाँ किसने मेरे साथ आना, इंडिया को उसने रिलैक्सेशन दी। इंडिया में ऐसे थोड़ी होता है कि हुकूमत मोदी की हो और पीछे बैठकर डोरियां कोई और हिलाता हो। 100 इख्तलाफ है हमें मोदी से, हकीकत टीवी तो बंद ही इंडिया में इसलिए हो गया था क्योंकि हमने मोदी और उनके चेहरे बेनकाब किए, लेकिन वहां पर कोई पीछे बैठकर डोरियां तो नहीं हिलाता, पाकिस्तान की तरह तो नहीं होता, गंदे सियासतदान हो और पीछे बैठकर हुकूमत कोई और चला रहा है और सारा नाम सियासत। जैसे इमरान खान आज कहते हैं कि भाई साफियों पर हमला मैंने तो नहीं किया, अब जिन्होंने किया वो तो गंदे नहीं हुए, गंदा इमरान खान हो गया। तो ये सूरत हाल है आपके मुल्क की। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।